नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा नव भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, गत कक्षाओं में हमने संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय का प्रकरण चल रहा था, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जो तव्य तन्यर इत्यादि आग्रह के जो प्रत्यय हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, तव्यत, तव्यत प्रत्यय यानी कि तव्यत या तव्य तथा अनियर या अनिय, यानी कि तव्यत को क्या कहते हैं, तव्य भी और अनियर अनिय। ठीक है, देखिए जैसे चाहिए या युग के अर्थों में धातु में तव्यत तव्य तथा अनिय अनिय प्रत्ययों का योग किया जाता है। ठीक है, यानी कि चाहिए के अर्थ में या योग के अर्थ में धातु में तव्य तव्य तथा अनि अनिय अनि प्रत्ययों का क्या होता है, योग हम करते हैं। ठीक है, जैसे गम धातु तव्य प्रत्यय, तो गम गंतव्यम गंतव्यम। ठीक है ना, इसमें हो गया पठ प्लस तव्य, तो पठितव्यम। ठीक है, इस पहला कौन सा है, गम प्लस तव्य, तो गंतव्यम। ठीक है, गंतव्यम। ठीक है, दूसरे में क्या हो गया, पठे पठ प्लस तव्य, तो इसका हो गया पठितव्यम। ठीक, तीसरे हमारे कौन सी धातु है, हस धातु तव्यत प्रत्यय, तो हसितव्यम हसितव्यम। ठीक है, उसके बाद में रक्ष धातु तव्यत प्रत्यय, इनका योग करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, रक्षितव्यम। ठीक है ना, इसके बाद देखिए जी धातु, जी धातु में किस प्रत्यय का योग करेंगे, तव्यत का हम योग करेंगे, तो इसका क्या बन गया, जीतव्यम। ठीक है ना दोस्तों, इसका क्या बन जाएगा, जीतव्यम। दा धातु प्लस क्या है, दा धातु प्लस क्या है दोस्तों, दा धातु प्लस तव्यत, यानी कि क्या हो गया, दा तव्यम। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, दा तव्यम। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए दोस्तों के क्र धातु प्लस तव्यत प्रत्यय, तो इसका क्या हो गया, कृतव्यम। इसका क्या हो गया दोस्तों, कृतव्यम है ना। चुर धातु प्लस तव्यत प्रत्यय, इसका क्या हो गया, चोरितव्यम। और दृष्ट धातु प्लस तव्यत प्रत्यय, तो इसका क्या हो गया, दृष्टतव्यम। यानी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, प्रत्यय का जोड़ कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसमें क्या कर रहे हैं, हम प्रत्यय का जोड़ कर रहे हैं, धातु में प्रत्यय का जोड़ कर रहे हैं। दृष्ट धातु प्लस तव्यत प्रत्यय, तो क्या हो गया, दृष्टव्यम। स्मर धातु प्लस तव्यत प्रत्यय, तो स्मर्तव्यम। और गम धातु प्लस अनियर प्रत्यय, को क्या हो गया, गमनीयम। यहाँ पर क्या हो रहा है, तव्यत प्रत्यय हम कर रहे हैं, यहाँ कौन सा करेंगे, अनियर या अनियर। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, गम धातु में अनियर प्रत्यय हमने किया, तो क्या बन गया, ये गमनियम। ठीक है, पट धातु में अनिय प्रत्यय कर दिया, तो क्या बन गया दोस्तों, पट नियम। यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि धातुओं में जो है वो तव्यत और अनियर प्रत्यय को हम जोड़ रहे हैं। तो हमने दोस्तों, यानी कि इसमें हमने जो है चाहिए और योग के अर्थ में तव्यत और अनिय प्रत्यय जो है उनको हमने देख लिया, यानी कि गम प्लस तव्यत तो गंतव्यम, पट प्लस तव्यत तो पठितव्यम, हस प्लस तव्यत तो हसितव्यम, रक्ष प्लस तव्यत तो इसका क्या बनेगा, रक्षितव्यम। ठीक है, तो उसके बाद में हस जी प्लस तव्यत तो जीतव्यम। ठीक है, उसके बाद में दा प्लस तव्य जोड़ देंगे तो दातव्यम, क्र धातु प्लस तव्य तो कृतव्यम, चोर प्लस तव्य चोरतव्यम, दृष्ट प्लस तव्य तो दृष्टव्यम।
ठीक है, स्मर प्लस तब्य तो स्मर्तव्यम और गम प्लस अनियर, यानी कि तब्यत के बाद में अनियर को देगा तो गम प्लस तब्य तो गमनियम और पट प्लस तब्य तो पठनियम। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम और देखते हैं। देखिए ठीक है, देखो ये कौन सा है, हस प्लस अनियर, तो हस धातु और अनियर प्रत्येक हम करेंगे तो हस नियम, रक्ष प्लस अनियर तो रक्ष नियम, ठीक है, जी प्लस अनियर तो जैनियम, जैनियम, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, अपने क्या बोलते हैं, दा प्लस अनियर तो दानियम, क्र प्लस अनियर तो करणियम और चोर चुर प्लस अनियर तो चोरणियम, ठीक है, और दृष्ट धातु प्लस अनियर प्रत्यय करेंगे तो दर्शनीयम, ठीक है, स्मरण धातु प्लस अनियर प्रत्यय करेंगे तो स्मरणियम और स्नान धातु प्लस अनियर प्रत्यय करेंगे तो स्नानियम, श्रु धातु प्लस अनियर प्रत्यय करेंगे तो श्रवणियम और लेख धातु प्लस अनियर प्रत्यय करेंगे तो लेखनियम। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम जो है इसमें तब्यत और अनियर प्रत्यय को हम जोड़ रहे हैं, यानी कि तब्यत में क्या होगा, इसमें हस धातु में जो है अनियर प्रत्यय हमने जोड़ दिया तो हसनियम, रक्ष में अनियर को योग कर दिया तो रक्षणियम, जी में अनियर प्लस जैनियम, दा प्लस अनियर दानियम और क्र प्लस अनियर करणियम और चुर प्लस अनियर को चोरणियम, दृष्ट प्लस अनियर दर्शनियम और स्मृत प्लस अनियर स्मरणियम और स्ना प्लस अनियर स्नानियम, इसके बाद में श्रु प्लस अनियर तो श्रवणियम और फिर इसके बाद लेख प्लस अनियर तो लेख नियम। ठीक है दोस्तों, ये हमने अब इसके बाद में इन उदाहरणों के बाद में और भी हम देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि वाक्य में तब्यत तथा अनियर प्रत्ययों से युक्त शब्दों के योग में कर्ता क्या होता है दोस्तों, तृतीयांत तो होता है तथा कर्म कौन सा होता है, प्रथमांत होता है। यानी कि यहां पर कह रहे हैं कि तब्यत और अनियर जो प्रत्यय है उनसे युक्त जो शब्दों के जो योग होते हैं उसमें कर्ता क्या होता है, तृतीयांत तो होता है और कर्म क्या होता है दोस्तों, प्रथमांत होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अर्थात इनका सकर्मक धातुओं के योग में कर्म वाच्य में अथवा सकर्मक धातुओं के योग में किस में होता है, कर्म वाच्य में, ठीक है, उसके बाद में अकर्मक धातुओं के योग में भाव में ही प्रयोग होता है, यानी कि सकर्मक धातुओं में के योग में कर्म वाच्य में और अकर्मक धातुओं के योग में भाव वाच्य में क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा नियम क्या कह रहा है कि सकर्मक धातुओं से तब्यत प्रत्यय लगने पर बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो सकर्मक धातुएं हैं हमारी उनसे जो तब्यत प्रत्यय के जो शब्द हैं उनको हम लगाएंगे तो उन जो उनके जो शब्द हैं वो किस में चलेंगे, तीनों लिंगों में चलेंगे। जैसे मया ग्रंथ पठितव्य, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पुलिंग हो गया, मया ग्रंथ पठितव्य, मया कथा पठितव्य, ठीक है, स्त्रीलिंग में देख लिया हमने, और उसके बाद में मया पुस्तकम पठितव्यम, ठीक है, तो तीनों लिंग हो गए, मया ग्रंथम पठितव्य पुलिंग है ना, मया ग्रंथ कथा पठितव्य तो स्त्रीलिंग और इसके बाद में मया पुस्तकम पठितव्यम तो क्या हो गया दोस्तों, नपुंसक लिंग हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि इन प्रत्ययों में
कर्ता में तृतीया तथा कर्म में क्या होती है, प्रथमा का प्रयोग होता है। यानी कि ये कह रहा है कि इन प्रत्ययों में कर्ता जो है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया, और कर्म में कौन सी होती है, प्रथमा का प्रयोग किया जाता है तथा क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। लेकिन फिर भी क्या होता है, कर्ता में तृतीया विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति, लेकिन क्रिया जो है वो किसके अनुसार चलती है दोस्तों, कर्म के अनुसार चलती है। ठीक है, आगे देखिए, बालकेन पाठ पठितव्य, कौन सा हो गया, यानी कि कौन सी प्रथमा विभक्ति इसमें चल रही है, किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। ठीक है, बालक क्या कर रहा है, पाठ को पढ़ रहा है, किसमें है ये वाक्य हमारा, पुलिंग में। ठीक है, बालकेन कथा पठितव्य, यानी कि जो बालिका है वो क्या करी, कथा को पढ़ रही है, यानी बालक जो है वो क्या कर रहे हैं, कथा को पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बालकेन पुस्तकम पठितव्यम, तो जो बालक जो है वो पुस्तक को पढ़ रहे हैं, यानी कि पुल्लिंग में भी हमने देख लिया, स्त्रीलिंग में भी देख लिया और नपुंसक लिंग में भी देख लिया, हमने इसको तीनों लिंगों में इसका क्या होता है, प्रयोग भी कर लिया। ठीक है, और कर्म कर्म में जो है वो क्या होता है, प्रथमा का भी प्रयोग होता है और कर्म के अनुसार ही क्रिया के तथा क्रिया कर्म के अनुसार ही होती है, कर्म के अनुसार ही क्या होती है, इसकी क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर हम चलते हैं, देखिए क्रिया के इन प्रत्ययों में, इन प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में, देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं कि क्रिया के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में तथा विशेषण के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग योग के अर्थ में होता है। यानी कि यहां पर ये कह रहे हैं कि क्रिया के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में तथा विशेषण के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग योग के अर्थ में होता है। ठीक है, क्रिया के में चाहिए के में और विशेषण के में योग के अर्थ में होता है। ठीक है, जैसे छात्रेण पठितव्य पाठ पठितव्य, ठीक है, तो इस वाक्य में पाठ जो है, पाठ से पूर्व प्रयोग क्या है, पठितव्य पठितव्य। ठीक है दोस्तों, विशेषण के रूप में है पठित, पाठ से जो पूर्व प्रयुक्त जो पठितव्य है वो क्या है, पाठ से पहले क्या है, पठितव्य। ठीक है, तो ये पठितव्य किसके रूप में है, विशेषण के रूप में है। ठीक है दोस्तों, पाठ से पूर्व इस वाक्य में, पाठ से पूर्व पठितव्य किसके रूप में है, विशेषण के रूप में है तथा पश्चात प्रयुक्त पठितव्य, ठीक है, और उसके पश्चात पठितव्य जो है वो क्या है, क्रिया के रूप में है। ठीक है, अतः इसका अर्थ हुआ कि छात्र द्वारा पढ़ने योग्य क्या है, पाठ को पढ़ा जाना चाहिए। यानी कि छात्रेण पठितव्य पाठ पठितव्य, यानी कि छात्र के जो द्वारा पढ़ने योग्य जो पाठ है उसको पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि एवमेव श्रवणीयम कथा भाव ही भव, कथा एवमेव श्रवणीयम कथा श्राव इतव्य, यानी कि सुनने योग्य ही कथा या कहानी श्रत श्रावत्यव्य, यानी कि सुननी चाहिए, एवमेव श्रवणीय, यानी कि जो कहानी जो है वो सुनने योग्य हो वही क्या है, सुननी चाहिए। ठीक है ना, जैसे आगे हम देखते हैं, आगे कौन सा प्रत्यय हमारा, यत यर यर यत और क्यप प्रत्यय, यत यत और क्यप प्रत्यय। ठीक है ना, इन प्रत्ययों का यह ही
शेष रहता है, यानी कि यत यत क्यप है ना, और इनका क्या होता है कि यही शेष रहता है तथा तीनों एक ही अर्थ। तीनों क्या होते हैं, तीनों जो प्रत्यय हैं उनका यही शेष रहता है और तीनों एक ही अर्थ चाहिए अथवा योग के अर्थ में प्रयोग होते हैं। तीनों एक जैसे अर्थ में होते हैं, या तो चाहिए के में हो जाएंगे या योग्य के अर्थ में हो जाएंगे, ठीक है। परंतु इनके प्रयोग स्थल भिन्न भिन्न होते हैं। इनके योग्य स्थल कैसे होते हैं दोस्तों, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे अधिकांशतः अजंत धातुओं के साथ यत प्रत्यय प्रयुक्त होता है। अधिकांश यानी कि ज्यादातर अजंत जो धातुएं होती हैं उनके साथ में यत प्रत्यय प्रयुक्त होता है, और धातु के इकार को इ और उसको अय आदेश तथा उकार को ओ और उसको अव आदेश हो जाता है। इकार जो है उसको क्या होगा, अय आदेश हो जाएगा, ठीक है। उकार जो है उसको क्या हो जाएगा, अवादेश। उकार जो वो है उसको क्या हो जाएगा, अवादेश हो जाएगा। यानी कि यहां पर ये कह रहे हैं कि यत यत क्यप ये जो प्रत्यय है, इन तीनों प्रत्ययों का यही शेष रहता है तथा एक ही इनका अर्थ होता है, चाहिए अथवा योग्य अर्थ में ये दोनों प्रयोग प्रयुक्त होते हैं। परंतु प्रयोग स्थल इनके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। यत यत अधिकांशतः अजंत धातुओं साथ यत प्रयोग प्रयुक्त होता है, और धातु के इकार को ए और उसको अय, यानी ई जो है इसको क्या करें, अय तथा उकार को वो लिख करके उसको अब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे की ओर हम चलते हैं। देखिए उदाहरण के लिए के जी प्लस यत, उसमें क्या हो रहा है, यह हो रहा है, यत को क्या हो रहा है, ई हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, जेय जेया जेयम, तीनों लिंगों में जेय जेया और क्या हो गया, जेया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में गे प्लस यत, तो गेय गेया गेयम, ठीक है। उसके बाद में ची प्लस यत, ची प्लस यत, चेय चेया चेयम, ठीक है। इसके बाद में श्रु प्लस यत, श्रव्य श्रव्या श्रव्य, ठीक है। दा प्लस यत, तो देय देया और देयम, ठीक है। भू धातु प्लस यत करेंगे तो भव्य भव्या और भव्यम। नी प्लस यत करेंगे तो नेय नेया नेय, ठीक है। और स्था प्लस यत करेंगे तो स्थेय स्थया और स्थेयम। यानी कि हम यहां पर यत जो है उसको धातु में जोड़ेंगे तो उसके स्थान पर यह हो जाएगा, और यह तीनों लिंगों में भी चलेगा। जैसे जी धातु यत प्रत्यय तो जे जेया जेयम, गे धातु प्लस यत प्रत्यय गेय गेया गेयम, और ची धातु प्लस यत तो चेय चेया चेयम, श्रु धातु प्लस यत प्रत्यय तो श्रव्य श्रव्या श्रव्यम, दा धातु प्लस यत तो देयः देया देयम, और भू धातु प्लस यत भव्य भव्या भव्यम, और नी धातु प्लस यत तो नेयः नेया नेयम, और स्था धातु प्लस यत तो स्थेय स्थेया और स्थेय, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हमने यत को देख लिया, अब नेत को देखते हैं। इसके बाद में किसको देखते हैं, नेत को देखते हैं। नेत प्रत्यय जो है ई क्या है के अधिकांशतः ई किसमें होता है, रिकारांत तथा हलंत धातुओं से परे, यानी कि रिकारांत और हलंत जो धातुएं होती हैं उनसे परे चाहिए तथा
योग्य के अर्थ में होता है, यानी कि ये ऋकारान और हलंत धातुओं से चाहिए तथा योग्य के अर्थ में बताने के लिए नियत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और नियत में नियत से पूर्व री की वृद्धि हो जाती है, और नियत से पूर्व क्या होती है दोस्तों, री की वृद्धि हो जाती है। और हलंत धातु की उपदा में भी यदि अ हो तो उसे वृद्धि कर दीर्घ आ हो जाता है, यानी कि हलंत इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि नियत से पूर्व री की क्या होगी, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और हलंत धातु की उपदा में यदि अ हो तो उसे वृद्धि होकर के क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। यदि उपदा में ई उ या रि हो तो क्रमशः ई को ए, ओ को उ को ओ और रि को क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, जैसे कि हमने संधियों में पढ़ा था। इसके रूप किस में चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि हमारा जो नियत जो प्रत्यय है उसमें ऋकारांत और हलंत धातुओं से परे जो है चाहिए और योग के अर्थ में बताने के लिए नियत प्रत्यय का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में इस प्रत्यय में नियत से पूर्व जो है वो रि की वृद्धि हो जाती है, और हलंत धातु की उपधा में यदि रस्व आ हो तो उसे वृद्धि करके दीर्घ आ बना देते हैं। यदि उपधा में ई उ या रि हो तो उसके स्थान पर क्रमशः उ ई को ए, उ को ओ और री को अर हो जाता है, और इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं, देखिए इसके उदाहरण को हम देख लेते हैं एक बार। जैसे स्मृत प्लस न्यत, तो इसको क्या होगा, यह होगा, ठीक है। तो स्मार्य स्मार्य और स्मार्य, ठीक है, तीनों लिंगों में चलते हैं। पुलिंग स्मार्य, स्त्रीलिंग स्मार्य और नपुंसकलिंग स्मार्य, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए लिक धातु नियत प्रत्यय, इसमें क्या हो रहा है, नियत को क्या होगा, यह हो जाएगा। तो लिख्य लिख्य लिख्य, पुलिंग में क्या होगा, लिख्य, पुलिंग में क्या होगा दोस्तों, लिख्य और स्त्रीलिंग में लिख्या और नपुंसकलिंग में लिख्या, ठीक है। पठ धातु नियत, तो यह पाठ्य पाठ्य पाठ्य, ठीक है। उसके बाद त्यज प्लस नियत, तो त्याज्य त्याज्य त्याज्य, ठीक है। वाच्य प्लस नियत, तो वाच्य वाच्य वाच्यम, ठीक है। और कृत प्लस नियत, कार्य कार्या कार्यम, ठीक है। उसके बाद में व्यय धातु धातु प्लस नियत प्रत्यय, तो हार्य हार्य और हार्य, तीनों लिंगों में, पुलिंग में हार्य, स्त्रीलिंग में हार्य और नपुंसकलिंग में क्या होगा, हार्यम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसके आगे हम देखते हैं, जैसे सेव धातु प्लस नियत प्रत्यय, तो इसमें क्या हो गया, सेव्य सेव्या और सेव्यम, पुलिंग में सेव्य स्त्रीलिंग में सेव्या और नपुंसकलिंग में सेव्य, ठीक है। उसके बाद में चुर धातु प्लस नियत प्रत्यय, तो चोर्य चोर्या और चोर्य, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ग्रह प्लस नियत प्रत्यय, तो ग्राहा ग्राहा और ग्राहा और ग्राहम, यानी इसका क्या होगा, ग्राहा और इसका क्या होगा, ग्राहा और उसका नपुंसकलिंग में क्या हो गया, ग्राहम, ठीक है, ग्राह्यम, ठीक है। इसके बाद में हमने जो है इसके उदाहरण को देख लिया कि नियत प्रत्यय जो है उसमें क्या होगा कि इसमें धातुओं में नियत को जोड़ दें तो उनके स्थान पर यह हो जाएगा और ये तीनों लिंगों में चलेगा, ठीक है दोस्तों। इसके आगे हम और भी देखते हैं, देखिए अब कौन सा आ गया हमारा, तीसरा क्यप, ठीक है। यानी कि क्यप जो है यत नियत और क्यप, इसमें क्या है, ई यानी जाना, इस्त यानी स्थिति करना,
और सास यानी कहना, ब्रे यानी वरण करना और द्रे यानी आदर करना आदि कुछ धातुओं से के प्रत्यय बना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो है हमारा ये जो के प्रत्यय है इसमें ई जाना, स्तुति स्तुति करना, सास धातु यानी कहना, ब्रे यानी वरण करना और द्रे आदर करना आदि कुछ धातुओं से ही के प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें इस प्रत्यय के योग से धातु में गुण वृद्धि नहीं होती है तथा रस स्वरांत धातु के बाद में त आगम हो जाता है। ठीक है ना, इसके बाद क्या है यानी कि रस जो स्वरांत स्वरांत धातु के बाद क्या होगा, आगम त आगम हो जाएगा। हमारे को क्या जो प्रत्यय है उसमें हमें कह रहे हैं कि ये कुछ धातुएं जो हैं इनमें और भी जो धातुएं हैं इनके योग से धातु में गुण या वृद्धि कोई भी चीज नहीं होगी और रस स्वरांत धातु के बाद तागम होता है। ठीक है ना दोस्तों, जैसे देखिए ई प्लस क्या ई धातु के प्रत्यय तो इसका क्या बन गया, इत्यह इत्या जिसके पास जाना चाहिए, इसका अर्थ हो गया जिसके पास जाना चाहिए। सास प्लस क्या सास धातु प्लस क्या प्रत्यय तो इसमें क्या है, शिष्य जिसे उपदेश देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में स्तु प्लस क्या तो इस तुच्य स्तुति के योग्य। अब अगली कौन सी है, ब्रे यानी वरण, तो ब्र ब्र प्लस कृप तो व्रत तो वरण करने चुनने योग्य यानी कि चाहिए कहने और योग्य के अर्थ में हमें इन धातुओं को कर रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, गुण तथा वृद्धि नहीं हो रही है और जो रस स्वरांत धातु के बाद में त आगम हो जाए। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि हमने यत और क्यप और इसके बाद में जो नियत प्रत्यय जो है उन तीनों को देख लिया है, यानी कि इसमें तीनों जो है इसमें यह आदेश हमारा हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, और इसमें क्यप में ये कुछ धातुएं जो बची हुई है उनमें हमें इनका ई के प्लस कैप इत्य जिसके पास जाना चाहिए, सास प्लस कैप तो शिष्य जिसे उपदेश देना चाहिए कहना चाहिए है ना, स्तुति प्लस कैप स्तुत्य तो स्तुति करने के योग्य, ब्र प्लस कैप तो व्रत वरण करने के योग्य यानी कि इस जाने को स्तुति करने को और कहने को वरण करने को आदर करने को हम इस धातु में इसमें हमें क्या करते हैं, इसमें प्रयोग हम करते हैं क्यप जो प्रत्यय में हमारे में प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम ने आज तीनों प्रत्ययों के बारे में जानकारी की है, क्यप और यत और उसके बाद में यत प्रत्यय जो है उनका हमने अध्ययन किया है। अगले जो प्रत्यय हैं वो आगे की कक्षाओं में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।